पापा जी वो कड़ी आ गई आ गई आ दा दा दे दा 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 डिकटंग डिकटंग डिकटे ओ कड़ी आ गई आ गई आ गई आधे 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 या साहब आप अभी से तैयार हो गए? ओ बद्री तू भी टू मच गल्ला करता है यार। अपना पुत्र इतने सालों बाद अमेरिका से घर वापस आ रहा है तो एयरपोर्ट नहीं जाना क्या? तू क्या चाहता कि प्लेन कर के लैंड पर लैंड कर जाए? ओए क्यों स्लीव? लेकिन साहब जहाज तो कल सुबह ही आएगा। सुबह तो हो गई ना भाई, क्यों स्लीम यार? ऐसा क्यों है? आप अपनी घड़ी में देखिए क्या बजा है। घड़ी में क्या बजा? ओए यार एक घड़ी तो रुक गई है, घड़ी तो चल ही नहीं रही है मेरी यार। घड़ी घड़ी ठीक ही चल रही है, आप तेज भाग रहे हैं। ओए बद्री इतने सालों बाद मेरा पुत्र अमेरिका से वापस आ रहा है, मुझको तो लग रहा है वक्त जो है वो थम गया है। क्यों स्लीम? इसे क्या हो गया यार? सो रहा है स्लीम, सो रहा है। ओ स्लीम, ओ स्लीम चलिए। कहाँ चले? तू ये आंखें खोल के खराटे गाय को पड़ रहा है भाई। ओ सर जी अपनी आंखें इस टाइप की हैं, एक बार बंद हो जाती है तो खुलती नहीं है, खुलती है तो फिर बंद नहीं होती है। एयरपोर्ट पे खुली हुई चाहिए इसलिए आंखें खोल के सो रहा हूँ मछली की तरह। जैसे आप कहेंगे चलो रोड पे तैर तो वह निकल जाऊंगा। ओ नमस्ते अंकल जी महाराज। ओ जर्मन तू भी इधर आ गया। महाराज बेस्ट फ्रेंड आ रहा है तो एयरपोर्ट तो आना ही था ना। एक बात बता तेरा नाम जर्मन कैसे पड़ गया है? महाराज कितनी बार तो बता चुका हूँ, एक बार जब मैं बचपन में छोटा सा था ना तो मेरे पिताजी शिमला से जर्मनी गए थे, वहाँ से मेरे लिए कुछ लेके नहीं आए थे, बस उस कंट्री का नाम लेकर आए थे। कहने लगे बेटा आज से तेरा नाम नत्थू नहीं जर्मन है। अच्छा हुआ तेरे पिताजी पोरबंदर नहीं गए, नहीं तो तेरा नाम बंदर पड़ जाता। जर्मन ये बता के कब देगा? मैं मर जाऊंगा तब देगा तू? महाराज ये क्या मांग रहा है तुझसे भाई? मालिक इसने मेरे महाराज कुछ नहीं मांग रहा, क्या मांग रहा है तू? तो ये बता तू अपने दोस्त को बचानेगा कि नहीं है? महाराज कैसी बातें कर रहे हो, उसके बचपन का फोटो है मेरे पास। ओए आ गया मेरा गुड मैन दी लालटेन। ओए ये क्या डैड कितना वेट पुट ऑन कर लिया आपने? ओए अब तू आ गया सब ठीक हो जाएगा, तू ये बता तेरा सफर कैसा रहा यार? टेरिफिक डैड टेरिफिक। छोटे मालिक आपके ड्राइवर सलीम की तरफ से आपका वेलकम है। थैंक यू सलीम। महाराज मेरी तरफ से भी सेम टू सेम है। ये कौन है? हुजी महाराज मेरे को नहीं पहचाना, मैं जर्मन आपके बचपन का दोस्त। जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान। लेकिन छोटे मालिक ये तो कई सालों से आपके दोस्ती के किस्से सुना सुना के हमें बोर कर रही है। बोर कर रही है? क्यों बे? पर सॉरी गलती होगी, आगे से आपको दोस्त नहीं कहूंगा मैं। ओए जर्मन का दोस्त। अरे ये मेरे बचपन का दोस्त है, इसे कैसे भूल सकता हूँ मैं? उत्तर जी ये हमारे कुटुंब के पुरोहित जी हैं। आशीर्वाद। आयुष्मान कीर्तिमान, बड़ी शुभ घड़ी में घर में पधारे आप। बद्री काका छोटे मालिक, मां के गुजर जाने के बाद आप ही ने तो मुझे पाला है। छोटे मालिक आओ आओ अंदर आओ। अबे स्कूटर को स्टार्ट कर लिया, पर ये तो बता के मुझे देना कब स्टार्ट करे? महाराज उसी का इंतजाम करने जा रहा हूँ मैं। अबे ये तो बता दे कि कब देगा, मैं मर जाऊंगा तब देगा। लगता कि इसने मेरे से सिंगल ब्याज पे पैसे उधार लेकर किसी और को डबल ब्याज पे चढ़ा रखे। ओ नमस्ते सनी गोयल जी महाराज। आगे आगे जर्मन। आजा 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 महाराज, प्यार से बुलाने के लिए हाथ पकड़ के थैंक यू वेरी मच। अरे कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, आजा बैठ जा। महाराज बैठने के लिए तो मेरे घर में भी सोफा सेट है बाबा। महाराज गले बाद में लगना, पहले मेरा कर्जा वापस कर दो। दे दूंगा ना बाबा जल्दी, क्या सबर करो ना बाबा। महाराज सबर करते करते लगता है एक दिन मैं तो कब्र तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है तुम पहुंच जाओ बाबा, मैं वहां पहुंचा दूंगा ना बाबा। महाराज मजाक मत करो, देखो जो पैसे मैंने आपको दिए हैं ना वो मेरे नहीं है, मैंने सलीम से उधार लेके आपको दिए हैं। हो कटवा थोड़ी दिया आपने बाबा, सलीम से 2% इंटरेस्ट पे लेके मुझे 5% इंटरेस्ट पे दिया है ना बाबा। उसी लेकिन मेरे इंटरेस्ट से आपको क्या इंटरेस्ट, आप तो मेरे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस कर दो बस। अच्छा ठीक है, कितने देने हैं बाबा? महाराज असल में 1 लाख, इंटरेस्ट के 50,000, कुल मिला के हो गए 1.5 लाख हो गए ना बाबा।
है ना। अच्छा वो डॉक्यूमेंट्स लाए जो हमने साइन किए थे बाबा? महाराज डॉक्यूमेंट साइन नहीं किए थे, आपने कहा था जर्मन तेरी जबान काफी है। तो बाबा उन लोगों को लिया जिनके सामने आपने पैसे दिए थे बाबा? महाराज पर उस वक्त तो मेरे और आपके अलावा वहाँ कुत्ता तक नहीं था। कुत्ता तक नहीं था। कौन है तू? महाराज किससे बात कर रहे हो? अबे तुझसे बात कर रहा हूँ, कौन है तू? देखो मेरा कर्जा वापस कर दो। नहीं अबे कर्जा मांग रहा है साले, जानता है तो किससे बात है? पुलिस को बुलाता हूँ। महाराज छोटी सी बात के लिए पुलिस किस लिए है? अरे मेरे पैसे आपके पास रहे या बैंक में रहे, बात तो एक ही है ना। तो अब पता चला ना कि कर्जा कैसे मांगा जाता है बाबा? हाँ महाराज, इज्जत से, आहिस्ता से, सबके सामने नहीं कान में बाबा। ओ विजय पुत्र, ओ इंडिया वेलकम यू। थैंक्स थैंक्स। अनीता कैसी, हाउ शी? ओ शी तो खड़ी है हाथ में लेके गुलाब, पर तू उसको पहुंचाना देना पंजाब। ओ अले गलकर गलकर विजय। हेलो, हाय विजय, व्हाट अ लवली सरप्राइज। मैं तो हमेशा सरप्राइज में ही बिलीव करता हूँ अनीता। और सुनाओ कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, और अब जब तुम आ गए हो तो और भी ठीक हो जाऊंगी। ओके ओके, सी यू सून। ओके श्योर, सी यू, बाय बाय। व्हाट एन इंटरेस्टिंग गाय। ओए गाय तो ठीक है, लेकिन इस कोड़े की बात कान खोल कर सुन। ये तो तेरा मामा है ना खराती लाल, विश्वनाथ की फैक्ट्री में खरात के लिए नहीं तेरी भारत के लिए काम कर रहा है। मौका मिलते ही मुझे इस दूर की रिश्तेदारी को नजदीक की रिश्तेदारी में बदलना है। तुझे उस कार की बहू बनाना है मुझे। So dad, what else is happening? How's life, business, health? और पुत्र business तो एकदम टापम टाप चल रहा है, पर तब ये थोड़ी गड़बड़ चल रही है। क्यों dad? प्रॉब्लम क्या कि सारे झंझट मेरे कल्ले के सर पर आ गया है ना, इसलिए बीपी थोड़ा बढ़ गया है साहब। और यार मैं काजू नहीं खा सकता, तेरे को पता है। फिर शुगर का भी प्रॉब्लम है। और यार मैं विस्की नहीं पी सकता, परे रख यार। लेकिन क्यों dad? और तुम्हें बताया ना मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा शुगर, डॉक्टर ने मना किया यार। Dad, that's bad. और पुत्र, not so bad. You know why? Why? चले आदे, आदे, आदे। अब तू आ गया है, मैंने फैसला कर लिया है कि बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां तेरे सर पर सौंप कर मैं आराम से आराम करूंगा ऐसे। That's not possible. आप क्या चाहते कि मैं यहाँ सेटल हो जाऊँ और अमेरिका लौट कर नहीं जाऊँ? एक के दस और दस के सौ करोड़ कर दूँ? Dad, you're trying to con me. चलाकी भरी हुई आपकी पेट में चलाकी। और तूने चलाकी का? और नहीं तो क्या? 2400 घंटे काम करके आपको क्या मिला है पापा? ब्लड प्रेशर, शुगर, एक पैग विस्की नहीं पी सकते, एक टुकड़ा मिठाई का नहीं खा सकते। जो दादाजी ने कमाया उसे आपने दुगना चौगना कर दिया, अब आप ये चाहते हैं कि जो आपने कमाया उसे मैं दुगना चौगना कर दूं? Why dad, why? पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कमाते जाएंगे तो खाएगा कौन और पिएगा कौन? नो डैड नो, जो गलती आपने की है वो मैं नहीं करूंगा। जब जी चाहे मजे करूंगा, जब जी चाहे काम करूंगा। तो रिजल्ट ये हुआ कि तुझे अपनी जिम्मेदारी महसूस ही नहीं होती है। नो जिम्मेदारी, नो बिजनेस, ओनली हैप्पीनेस, दैट्स इट। कुछ नहीं। और बद्री, ये चैनल चेंज करते वक्त जो कुछ बोला तेरी समझ में आया? नहीं आया साहब। अब मेरी समझ में भी नहीं आया। अरे पर इसमें समझने को है ही क्या? यही ना कि घर के सारे लोग मजे करते रहे और अकेली मैं नौकरी करती रहूं, मरती रहूं, खपती रहूं। ओहो माया, जब देखो चपड़ चपड़ करती रहती है। चुप बैठ। चुप तुम बैठो। कितने जोर जुगाड़ करके तुम्हारी शादी करवाई थी और 3 ही महीने में तुम्हारे पति देव ने वापस यहाँ लाके पटक दिया। क्यों भाई, तुम्हारे दिल के ऑपरेशन का खर्चा मैं क्यों करूं? तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ दे या फांसी पे लटका दे, मुझे क्या लेना देना? मैं तो अपनी शादी रचाऊंगी यार। मैं अपनी शादी रचाऊंगी और चली जाऊंगी अपने हनीमून पे। बाहर में जाओ तुम सब लोग, यही कहना चाहती है ना तू? सॉरी दीदी, मैं इतनी सेल्फिश, इतनी मतलबी दिखाई देती हूँ तुझे? क्यों माँ, क्या ये रोज इसी तरह मेरी नकल करती रहती है? बिल्कुल, तुम घर से निकली नहीं कि इसका मिमिक्री आइटम शुरू हो जाता है। सॉरी दीदी, गलती माफ। गलती गलती कुछ नहीं, नकलची बंदर। बंदर नहीं, बंदरिया। नकलची बंदरिया, गलती की है तो उसकी सजा भी मिलेगी। सजा क्या होनी चाहिए? हाँ, घर के सारे कपड़े आज तू धोएगी। दीदी। नो दीदी, कम ऑन। जल्दी जल्दी। ओ धर्मपत्नी जी, मायके में बैठे बैठे कॉमेडी करती रहोगी या ससुराल आने का भी प्रोग्राम है? अरे जीजा जी, जी जीजा जी, ही करके जिस बेचारे के पीठ में छुरा फोक दिया आप लोगों ने, वही जीजा जी।
दिल में छेद है बताए बगैर लड़की मेरे गले बांधती, सुहाग रात तक का चांस नहीं मिला, फूल दिखाया पत्ती हाथ में पकड़ा दी, पूछने पर कहते हमें इसकी बीमारी के बारे में पहले कुछ पता ही नहीं था। मगर मेरी माँ को यह जवाब पसंद नहीं है, इसलिए वो कहती है कि इसे तलाक दो और दूसरी शादी की तैयारी करो। नहीं जीजा जी, हम मंजू दीदी का इलाज जरूर करवाएंगे, बस हमें 2-3 महीने का वक्त दे दीजिए। डायलॉग डायलॉग रहने दो, हर बार यही सीन चलता है, लेकिन आज के इस सीन का ये आखिरी डायलॉग होगा कि लड़की के दिल का होल बंद करवा के भेज दो तो हैप्पी एंडिंग, वरना फुल डिवोर्स। सी यू, टाटा, थैंक यू। ले बैग पकड़ और हाथ पकड़। तू मा चाहे तू यार, वो जो डेलीगेशन आया था ना कनाडा से, उसने अपने केबल की क्वालिटी देखकर कहा कि आइंदा उनके देश में जितना केबल लगेगा हमारी फैक्ट्री से मंगाएंगे, तो तुमने कोटेशन पर के भेज दिया था। कौन सा कोटेशन? कनाडा वालों का कोटेशन, तुझसे कहा था कि नहीं कहा था? मुझसे कब कहा था? पही पेपर साइन करके दिए थे मैंने। भाई साहब लगता आप कुछ भूल रहे हैं। मैं भूल गया तो तेरे को तनख्वाह पगड़ी पहनने की देता हूँ। ला मेरा बैग, खोते पड़े पड़े मेरे ऑफिस में। भाई साहब देते हैं गाली पे गाली, लगता है जाना पड़ेगा मुझे कुल्लू मनाली। ओ ब्लडी फूल, डैम फूल पड़े हैं ऑफिस में, ये तो टू मच हो गया यार। क्या हुआ सर? ओ कनाडा से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर आया था और ये बेवकूफ खराती लाल कोटेशन भेजना भूल गया। अब वो तो मैंने भेज दिया सर। ओए तूने भेज दिया था? हाँ सर, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपनी मेज पे रखा था, मैंने देख लिया, भेज दिया। बहुत अच्छा किया तूने पुत्र, नुकसान से बचा लिया, मेरा तो दिमाग ही ठप हो गया, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। कूल सर, गुस्से से बीपी बढ़ता है। ओ मेरे को कहां गुस्सा आता है पुत्र? शक्कर नहीं, ये लीजिए आपकी गोलियां। मैं लोगों से कहता फिरता था कि मेरा पुत्र अमेरिका से आएगा, काम में मेरा हाथ बटाएगा, फिर मैं आराम करूंगा, मगर इसको कुछ पड़ी नहीं है। ठीक है ना सर, आजकल के बच्चों को थोड़ा सा वक्त लग जाता है सब जिम्मेदारियां संभालने के लिए। कहता है लाइफ एंजॉय करेगा और दुनिया फास्ट भाग रही है, भी उनके साथ भागेगा फास्ट। गुड मॉर्निंग अंकल। हाय अंकल। तुम्हारे भी अंकल है क्या? हाँ मेरे अंकल, नहीं ये मेरे तो मेरे डैड हैं। तो बद्री, इसके गालों पे जो लाल लाल चीज लगी है लिपस्टिक है ना? साहब जी छोटे सरकार ने तो पार्टी में कमाल ही कर दिया। मामला गड़बड़ है, लगता है कुछ करना पड़ेगा। बाय अंकल। ठीक है, ये कन्या को देखिए, आहा, सुबह के टाइम ये मनीषा कोइराला दिखती है, नाम है तारा, गांव है सतारा। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। जय। रिजेक्टेड, नेक्स्ट पंडित जी। ये देखिए, दिन में माधुरी दीक्षित दिखती है, एरंडी तेल के राजा की बेटी है, बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। रिजेक्टेड, नेक्स्ट। ये देखिए, ये रात में जूही चावला लगती है, इकलौते बाप की करोड़पति बेटी है, बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। रिजेक्टेड, नेक्स्ट। क्यों पॉप्सी, कंपनी एड के लिए मॉडल देख रहे हो क्या? मॉडल नहीं, लड़की देख रहा हूँ शादी के लिए यार। इस उम्र में शादी करेंगे आप? ओए अपनी शादी के लिए नहीं, तेरी शादी के लिए लड़की देख रहा हूँ। आते आते और मेरी शादी के लिए लड़की आप क्यों देख रहे हैं? ओ ये भी करेक्ट है पंडित जी, आप हाथों हाथों इनको एल्बम दिखाओ जी। आप दिखाता हूँ, आप देख लीजिए, ये रात के अंधेरे में उर्मिला माटुनकर दिखती है, बोलो श्री सत्यनारायण देव। प्लीज पैक योर बैग्स एंड लीव। मेरा नाम पंडित राम प्रसाद है। Get out. इशारे से लगता है मुझे जाने के लिए कह रहे हैं, बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। I'm sorry dad, मुझे शादी नहीं करनी। मतलब बिल्कुल नहीं करनी या अभी नहीं करनी भाई? मतलब जब तक मुझे अपनी पसंद की लड़की नहीं मिलती तब तक नहीं करनी। मगर पुत्र जी महाराज, आपको अपनी पसंद की लड़की मिलेगी कब? यह मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? She has to suit my temperament, my nature. I have to like her, she has to like me. हम एक दूसरे को समझे, जाने, फिर प्यार, फिर शादी। इसके लिए दिन भी लग सकते हैं, साल या 10 साल। How can I say that? ये क्या कर रहे हैं साहब? ये मत खाइए, ये मत खाइए। डॉक्टर ने मना किया है आपको, मत खाइए। आप शुगर नहीं खाइए। डैड ये क्या कर रहे हैं आप? Have you gone mad? Have you gone berserk? Yes, I have gone mad. I have gone berserk. पुत्र तू चाहता था कि मैं life enjoy करूं, तो मैं life enjoy कर रहा हूं। आपको diabetes है, आपको sugar की बीमारी है। मुझे sugar है, diabetes है, मुझे पता है कि मिठाई खाने से मर सकता हूं, तो मर जाने दे मुझे भाई। तेरे जन्म से तेरी मां चल बसी, लेकिन मैंने तेरी वजह से दूसरी शादी नहीं की। इकलौती औलाद को आंख से ओझल नहीं कर सकता था, लेकिन तेरी जिद पर मैंने तुझे अमेरिका पढ़ने भेज दिया।
तू इतनी सारी डिग्रियां हासिल करके भी काम पर ऑफिस में नहीं आया, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, तू क्लब में नाचा, तूने दारू पी, इतनी देर रात को घर पर आया, मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं 50 के ऊपर हो गया हूं और जो तेरे रंग ढंगेड़ा, मुझे नहीं लगता मैं अपने पोतों के साथ खेल सकूंगा, तो फिर किसके लिए जीऊं भाई? मैं शादी करूंगा डैड। आप जिस लड़की के साथ कहेंगे मैं उस लड़की के साथ शादी करने को तैयार हूं। फैंटास्टिक, दे। लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? मैं पहले एक साल के लिए शादी करके देखूंगा। एक साल? क्या मतलब? अगर उस एक साल में उस लड़की के साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी बिताने की इच्छा जागे और उसे भी मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का मन हो तो ठीक है, और हम दोनों में से किसी एक को भी ऐसी फीलिंग पैदा ना हो तो तलाक। We'll separate from each other. और तू बांगला हो गया? तेरा दिमाग चल गया है? ऐसी कौन सी लड़की होगी जो एक साल तक बीवी बनने के लिए तुझे शादी के लिए हाँ कर देगी? हाँ, हाँ करेगी तो शादी करूंगा, वरना नहीं। ओए बद्री, देखा तूने? इसको शादी करनी नहीं है, इसलिए उल्टी सीधी शर्तें रख रहा है। दरअसल इसको अपने बाप की इज्जत की जरा भी कदर नहीं है। क्यों नहीं है साहब? कदर है। और खाक कदर है। अगर एक साल शादी के बाद इसने लड़की को छोड़ दिया तो वो तो सड़क पर आ जाएगी ना, उसकी तो जिंदगी हो जाएगी ना तबाह। ऐसा कुछ नहीं होगा साहब, कुछ नहीं होगा। आप भी तो पहले शादी नहीं करूंगा नहीं करूंगा ये बोलते थे ना, लेकिन शादी के बाद छोटे मालिक के पैदा होते ही खुशी से नाचते फिरते थे। साहब आप बस इतना करो कि एक अच्छी सी लड़की देखो, बाकी का सब वो लड़की खुद ब खुद देख लेगी। हाँ।